परंतु हर आज्ञा का एक निश्चित समय होता है और अभी तक वो समय आया नहीं है। भैया मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। धीर धरो लक्ष्मण। परंतु धैर्य धारण करने की भी एक सीमा होती है भैया, और मैं वो सीमा पार कर चुका हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं पल भर में सीता भाभी को आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता हूं। लक्ष्मण, हर कार्य विधि के विधान के अनुसार होता है। मर्यादा के विरुद्ध कोई भी कार्य करना ठीक नहीं है। परंतु भैया, शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भैया, लक्ष्मण, भैया, भैया, सुलोचना, युवराज मेघनाथ अभी तक नहीं लौटे, मेरा मन आशंकाओं से व्याकुल हो रहा है। आप चिंतित ना हो माताश्री। माताश्री, प्रणाम। माताश्री, आयुष्यमान भव। क्या हुआ मेघनाथ? माताश्री, शत्रु को मृत्यु के मुख में पहुंचा कर आया हूं मैं। राम लक्ष्मण दोनों नागपाश और नागदंश के प्रहार से प्राणहीन हो चुके हैं। देवी सुलोचना की प्रार्थना ने मुझे ऐसी शक्ति प्रदान की है कि अब लंका युद्ध समाप्त होने में अधिक देर नहीं लगेगी। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। प्रभु, प्रभु, ये सब कैसे हो गया? प्रभु, भ्राता, भ्राता लक्ष्मण, ये सब कैसे हो गया? हे प्रभु, आप पर आघात करने के लिए शत्रु यहां पहुंचा कैसे? वानर सेना के सुरक्षा शिविर में प्रवेश करने का शत्रु का साहस कैसे हुआ? जामवन जी, ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को शत्रु से युद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला। यही तो दुख की बात है भाई, इनकी यह दशा हुई कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान, हनुमान, युद्ध भूमि से लौट आओ, किसी ने प्रभु पर क्रूर आघात किया है। जय श्री राम। मिथ्या है, माया है ये सब कुछ। मैं ये कदापि मानने को तैयार नहीं कि मेरे प्रभु बेसुध पड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा 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 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, सारे संसार को सुध में लाने वाले आज
आज स्वयं पे सोत पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। जामवंत जी, कहिए हनुमान। मैं अपने प्रभु को मुक्त कराऊंगा, मैं अपने प्रभु को मुक्त कराऊंगा। प्रभु जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, ये घातक मायावी विषधर नाग है, इसे छेड़ने की चेष्टा न करो, तुम्हारे सारे शरीर में विष फैल सकता है। जामवंत जी, आज हनुमान की सारी शक्तियां निर्बल क्यों से धो रही हैं? क्या देवताओं के दिए सारे वरदान झूठे हैं? क्या हनुमान के रुद्र अवतार होने की बात मिथ्या है? नहीं हनुमान, ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। ये संकट की घड़ी है हनुमान, और इस संकट से निकलने का उपाय हमें धैर्य पूर्वक ढूंढना होगा। नहीं जामवंत जी, नहीं, इस समय धैर्य की बात ना कीजिए।